जो मैंने समझा है कि जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तब इंदिरा गांधी जी को जो वामपंथी थे उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, और जब कोल्ड वॉर था तब सर आप कहां बैठे हैं, मैं कुछ आपकी तरफ भी देखना चाहता हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो कोल्ड वॉर में तो इंदिरा गांधी ने भारत को सोवियत के पक्ष के पास ले गई वो, है ना, तो तब एक क्विड प्रो क्वो हुआ था कि हमारे लिए आप क्या करेंगे, तो वामपंथियों के लिए उन्होंने एक प्रतिष्ठान बना दिया कि बस ये हमने आप जवाहरलाल नेहरू के नाम से हमने बनाया है, ये आप इसको चलाइए। तो इसमें ये इन्होंने ग्रामशी वगैरह की बात की, मार्क्स में भी बहुत समझने लायक चीजें हैं। तो उनका मार्क्स ने ये सवाल किया था कि जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होती है, तो ये इन्होंने मार्क्सवाद रिप्रोड्यूस कैसे होता है ये इन्होंने मास्टर कर लिया। कैसे कि पहले तो अपने सब अध्यापक भर दो, फिर उन्हीं के विद्यार्थियों को वहां भर दो, फिर उन्हीं का दोबारा अपॉइंटमेंट करवाओ ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वामपंथी ही चले वहां पे। तो ये वो वहां हो गया, ज्यादातर 100% नहीं हुआ लेकिन सोशल स्टडीज में ज्यादातर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये एक और देखिए, हमारे जो पहले से सारे एजुकेशन मिनिस्टर जो थे सब माइनॉरिटीज ही थे, जाकिर हुसैन, नूरुल हसन, इस तरह राधा कृष्ण जी को छोड़ करके। तो हमने ये चलाया था कि ये लेफ्ट लिबरल को ऐसा उनको ये दे देंगे, प्रतिष्ठान दे देंगे, उनके आर्काइव्स वहां रहेंगे उनकी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जेएनयू एक्ट में भी कुछ सोशलिस्ट डॉगमा स्मगल कर दिया है, ये भी मैंने एक कॉलम में लिखा था लेकिन कोई पढ़ता नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैंने वो पॉइंट आउट किया था कि टोटली गलत है, साइंटिफिक सोशलिज्म के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, ये जेएनयू एक्ट के अंदर घुसेड़ दिया गया बाद में, ये तो टोटली गलत है कि सोशलिज्म साइंटिफिक नहीं है, ये सबको पता है, सूडो साइंटिफिक भी नहीं है। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, तो इस तरह से चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं चलेगा ज्यादा, ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। पूरा प्रशासन मतलब हमारे तरफ है, लेकिन विद्यार्थीगण नहीं है। तो अब वहां जेएनयू में सिविल वॉर चल रहा है एक किस्म से, तो हर रोज कुछ न कुछ चलता है, कभी गेट बंद हो जाती है, कभी बिल्डिंग को कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि एक बहुत अच्छी पॉलिसी का लागू कर दिया कि एक टीचर को जो प्रोफेसर है उसको 8 से ज्यादा पीएचडी नहीं मिलेंगे। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा क्योंकि अभी 20-40 लोग लेते हैं। अच्छा क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको हॉस्टल मुफ्त मिलता है 20 रुपया प्रति महीना, खाना सब्सिडाइज मिलता है ना, और सालाना फीस 20 रुपया या ऐसे कुछ है। अच्छा यूजीसी से 8,000 प्रति महीना मिलता है। अच्छा फिर कोई छोड़ेगा ही नहीं, अच्छा बाहर नौकरियां भी नहीं है, तो इतने लोग भर गए हैं, अब कम करेंगे तो हॉस्टल में भी जगह मिल जाएगी, तो ये सब सिस्टम टूट जाएगी। क्योंकि हॉस्टल में क्या होता था, जगह नहीं थी क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं थे। तो जब कोई नया आदमी आता था तब मार्क्सवादी कहते हम तो इगैलिटेरियन है, एक एक कमरे में 6 लोग सो जाते हैं, हम आपको देंगे, है ना। तो मकान मिलने पर कुछ तो आदमी कहता है हम आपके लिए भी कुछ करेंगे, तो कल मोर्चा निकला आपको आना है, इस तरह से रिक्रूटमेंट होती थी। तो मैंने आपको जेएनयू का रहस्य समझा दिया।